स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने मध्यकाल में सल्तनतकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इस वीडियो में हम मध्यकाल में मुगलकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मुगल काल के भी दो स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो फर्स्ट हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं पुरातात्विक स्रोत? पुरातात्विक स्रोतों में को क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो मुगल राजवंश के जो संस्थापक थे बाबर, उनके पास एक सुंदर सौंदर्य स्वाद था। हालांकि उन्हें कई इमारतों के निर्माण के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला, लेकिन उन्होंने रोहिल खंड के संभल में दो और पानीपत के काबुली बाग में एक मस्जिद का निर्माण कराया। ये पुरातात्विक स्रोतों में आएगी, जो बाबर ने मस्जिदें बनवाई। नेक्स्ट है आगरा में जो पुराना लोधी किला है, उसमें एक तीसरी मस्जिद भी है। और उसके शासन के जो शुरुआती वर्ष में हुमायूं ने दिल्ली में एक शहर बसाया, जिसे दीन-ए-पनाह कहा जाता था। दीन-ए-पनाह नाम का एक शहर बसाया था किसने? हुमायूं ने। यह आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट है मुगल वास्तुकला का जो वास्तविक चरण है वो कब शुरू होता है? अकबर के साथ। अकबर का जब शासन आया, अकबर जब गद्दी पर बैठे, अकबर के काल से शुरू हुआ। उन्होंने भारतीय के साथ वास्तुकला की फारसी परंपराओं को जोड़ा। भारतीय वास्तुकला और फारसी दोनों को आपस में जोड़ा। दिल्ली में अपनी विधवा जो हाजी बेगम थी, उनकी वाइफ, उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने हुमायूं टोम, जो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली के अंदर, उसका निर्माण कराया, जो संगमरमर से बनी पहली छोटी बल्बनुमा दोहरी गुंबददार संरचना है। इस बगीचे में एक बगीचे के अंदर ये बीच में स्थित है, चारों तरफ इसके बगीचा है। यह ताज का प्रोटोटाइप है, ताज जो ताजमहल है उसका थोड़ा सा देखने में उसका जैसा है। अकबर ने आगरा का किला लाल रेत पत्थर से बनवाया, और अन्य किले जो लाहौर, अजमेर और इलाहाबाद में हैं वो भी अकबर ने बनवाए। अकबर के शासनकाल के दौरान सीकरी में उसने गुजरात एक किला बनवाया, और गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी नाम दिया। गुजरात विजय के बाद उन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, गुजरात विजय की खुशी में 1573 में। फतेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद है, उसको फर्ग्यूसन ने पत्थर के रोमांस के रूप में वर्णित किया कि ये पत्थर का रोमांस, जैसे पत्थर इसमें रोमांस कर रहे हो, ऐसे फर्ग्यूसन ने कहा। जो बुलंद दरवाजा है वो 176 फीट ऊँचाई पर स्थित है, उसकी ऊंचाई 176 फीट है। फतेहपुर सीकरी में अन्य महत्वपूर्ण इमारतें भी हैं, तो आप सभी याद रखेंगे कौन कौन सी इमारतें हैं फतेहपुर सीकरी में। जोधाबाई का महल, जो हिंदू शैली का प्रभाव जिसमें दिखाई देता है। बीरबल का घर, मरियम का महल, दीवानी आम, दीवानी खास, पंचमहल, पांच में जो पिरामिड की जो संरचना है पंचमहल उसको बोलते हैं। कहानियाँ, बौद्ध विहार का प्रभाव इन पर दिखाई देता है, जो बौद्ध विहार थे उनका प्रभाव इन पर दिखाई देता है। उनके काल की दो अन्य उल्लेखनीय इमारतें हैं, इलाहाबाद में 40 पिलर्स, जो 40 पिलर्स खड़े हुए हैं। सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्वयं अकबर द्वारा शुरू कराया गया था, जो बौद्ध विहारों के प्रभाव को दर्शाता है। जो अकबर का मकबरा है वो भी बौद्ध विहारों के प्रभाव को दर्शाता है। तो नेक्स्ट आते हैं जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल के दौरान उनकी जो पत्नी थी नूरजहां, उन्होंने अपने पिता जो आगरा में एतमादउद्दौला का मकबरा बनवाया, आगरा में इन्होंने अपने पिता के नाम से उदयपुर के जो गोल मंडल मंदिर है उनसे उधार ली गई एक नई तकनीक पितृदूरा को यहां पर उन्होंने पेश किया था। पितृदूरा शैली से बना है ये एतमादउद्दौला का मकबरा। दीवारों की जो सजावट है अर्ध कीमती पत्थरों से बनी फूलों की सजावट के साथ, ये पितृदूरा शैली से ही बोलते हैं, जो फूलों की कीमती पत्थरों से बना है और पत्थरों में ही फूलों की तरह सजावट की गई है, जैसे फूलों से होती है। यह मकबरा पूरी तरह से संगमरमर से बना है, पूरा मकबरा संगमरमर से है। जहांगीर ने लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया, और लाहौर के पास सहाद्रा में अपनी कब्र बनाई। लाहौर के पास इनकी कब्र कहाँ है जहांगीर की? लाहौर के पास सहाद्रा में, याद रखेंगे आप सभी। शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला अपने चरम सीमा पर पहुँच गई। सबसे ज़्यादा वास्तुकला का जो निर्माण हुआ वो स्थापत्य कला के रूप में, ये क्या था कि शाहजहाँ के काल में ही हुआ। शाहजहाँ ने सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला पर ध्यान दिया, और जहांगीर के काल में स्थापत्य कला पर इतना ध्यान नहीं दिया गया इन्होंने चित्रकला पर, क्योंकि ये चित्रकला के प्रेमी थे, चित्रकला पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था। तो शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में प्रसिद्ध ताजमहल बनवाया। इनके जो मुख्य वास्तुकार थे, जो इनका जो
साचा तैयार किया था वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। आप याद रखेंगे इनके जो वास्तुकार थे ताजमहल को बनाने वाले उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्हें नादिर उल असर, मीर अब्दुल करीम और मुकरमत खान आदि को उपाधि से सम्मानित किया गया। ये इनकी उपाधियां थी उस्ताद अहमद लाहौरी की, नादिर उल असर, मीर अब्दुल करीम, मुकरमत खान आदि, ये सभी इनकी उपाधियाँ थी, इनसे इन्हें सम्मानित किया गया था। मस्जिद की इमारत भी शाहजहाँ के अधीन अपने चरमो उत्कर्ष पर पहुँच गई। आगरा किले में मोती मस्जिद होने की उल्लेखनीय बात यह है कि यह पूरी तरह से संगमरमर से बनी और दिल्ली में जामा मस्जिद जो है वो लाल बलुआ पत्थर में बनी थी। शाहजहाँ ने दिल्ली में शाहजहानाबाद की एक नई राजधानी निर्माण का शुरू की थी। उन्होंने शाहजहानाबाद एक नगर बसाया दिल्ली के अंदर जो 1648 में पूरा हुआ। तो दीवान ए खानसद जो रंग महल लाल किले के अंदर ही दो सबसे खास इमारतें हैं। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई और लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया। जो मोती मस्जिद है लाल किले के अंदर वो औरंगजेब द्वारा बनवाई गई है और जो आगरा में है मोती मस्जिद वो शाहजहाँ ने बनवाई थी। तो आप याद रखेंगे जो दिल्ली में लाल किले के अंदर मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई और जो आगरा में किले के अंदर है वो शाहजहाँ ने। तो औरंगजेब की जो रानी थी रबिया उद्दुरानी, उसकी कब्र औरंगाबाद में है बनवाई गई थी, जो ताजमहल की एक नकली नकल है। ताजमहल की नकली नकल इसको बोला गया है। इनकी मतलब इनकी कब्र पर एक महल का निर्माण कराया था इन्होंने। ताज की तुलना में यह मकबरा एक बहुत ही औसत उत्पादन है। जैसा कि फर्ग्यूसन जो है इतिहासकार वो कहते हैं कि संकीर्णता और बुरे स्वाद से बच जाता है, ये बुरे स्वाद से बच जाता है। तो नेक्स्ट हम ये हमारे पुरातात्विक स्रोत थे, इनमें हमारी सारी स्थापत्य कला वास्तुकला आती है मुगल काल की। अब हम साहित्यिक स्रोतों में देखते हैं कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं मुगल काल को मुगल काल के इतिहास का की जानकारी के लिए, जिससे हम मुगलकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों में तारीख़ हुमायूनी जो जौहर द्वारा लिखी गई है, तारीख़ अल्फी मुल्ला दाऊद ने लिखी, तारीख़ शेर शाही और तहफूत ए अकबर शाही अब्बास खान शेरवानी ने लिखी, कानून ए हुमायूं या हुमायूं नामा खोंडा मीर, अकबरनामा फैजी सर हिंदी, अकबरनामा आईन ए अकबरी अबुल फजल, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम जो बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन थी ये, मुंतखब उल तवारीख बडोनी ने और तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने, ये सभी हमारे साहित्यिक स्रोत हुए मुगल काल के। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अभी हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में अध्ययन किया, तो हमने सल्तनतकालीन इतिहास के स्रोत और मुगलकालीन इतिहास के स्रोत दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।